दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों ने आज तक कई सारे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आखिर में बनते कैसे हैं और पेपर से रियलिटी में चेंज होने के लिए बीच में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर मौजूद नहीं है और इसी बात को लेकर जो है आज का हमारा वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उसके तीन मेजर फेज होते हैं। पहला होता है डिजाइन एंड कंसेप्चुअलाइजेशन, दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन और लास्ट में होता है पोस्ट ऑपरेशंस। और ये जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताया है, इसके अंदर और सब स्टेप्स या और छोटे छोटे स्टेप्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एक नॉर्मल एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लें, तो कोई भी एक्सप्रेसवे बनाने के पहले जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज होती है, वो पहले रिसर्च करती है, प्लानिंग करती है एक्सप्रेसवे की ज़रूरत है या नहीं। तो इस पार्ट में बेसिकली ये देखा जाता है कि जिस रीजन के लिए ये रूट की रिक्वायरमेंट हमें लग रही है, क्या ये वायबल है या नहीं, यानी क्या इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल होगा, इसके कारण इस एरिया के इकोनॉमिक मैप पर कैसा असर पड़ेगा, क्या लोगों को इससे सच में फ़ायदा होगा और क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। ये सब होने के बाद में जो है, अगर एक्सप्रेसवे की ज़रूरत नज़र आती है तो वो किस तरीके का होना चाहिए, इस चीज़ पर डिज़ाइन होती है। तो एक्सप्रेसवे 6 लेन का होना चाहिए, 8 लेन का, इसका एग्जैक्ट रूट क्या होना चाहिए, इसमें ये किस तरीके का एक्सप्रेसवे होगा, ये ग्रीन फील्ड होगा या फिर ये नॉर्मल एक्सप्रेसवे होगा, इन सारी चीज़ों पर एक और प्लान बनता है। और कई सारे आइट्रेशंस बाद में, अलग अलग प्लान बनने के बाद में, कोई एक फाइनल प्लान जो है वो इन द एंड पेश किया जाता है। अब ये प्लान पेश होने के बाद में अगली स्टेप होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में होता यह है कि अब प्रोजेक्ट तो बनाना है, इसमें पैसे भी लगेंगे, अब ये पैसे जुटेंगे कहाँ से, उस बात की प्लानिंग। तो नॉर्मली कोई भी बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, उसे एक तो स्टेट गवर्नमेंट पैसे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है, कभी कभी दोनों गवर्नमेंट पैसे देती है, लेकिन बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है PPP मॉडल या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कोई प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनती है और बाद में जो भी प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स भी होंगे वो भी वो अपने पास रखती है। ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड हो जाने के बाद में गवर्नमेंट पब्लिकली ये ड्राफ्ट पेश करती है और लोगों के सामने बताती है कि हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और उसके बाद में जो हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है, जो है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन शुरू होने के पहले कौन ये कंस्ट्रक्शन करेगा, इसके लिए टेंडर्स फ्लोट किए जाते हैं। अब आपको टेंडर्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों, टेंडर्स एक्चुअली एक इनविटेशन होता है अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, सिविल वर्क करने वाली कंपनीज के लिए, कि वो आकर हमारे प्रोजेक्ट में जो है काम करें। और इसके लिए गवर्नमेंट एक पूरा ड्राफ्ट बना दिए जिसके अंदर इस प्रोजेक्ट में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन सा मटेरियल, टेक्निकल डेटा, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन किए जाते हैं। और ये टेंडर्स दो तरीके से हमारी गवर्नमेंट पेश करती है, एक तो होते हैं ओपन टेंडर्स और दूसरे होते हैं ग्लोबल टेंडर्स। तो दोस्तों, छोटे प्रोजेक्ट अगर है और कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट है, जैसे एक्सप्रेसवे वगैरह में कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है, तो इस टाइम पे मोस्टली लोकल टेंडर्स पेश किए जाते हैं और इसमें कोई भी कंपनी जो क्राइटेरिया में फिट होती है वो अप्लाई कर सकती है। लेकिन दूसरे होते हैं ग्लोबल टेंडर्स। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ही यूनिक है और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, तो उसके लिए बहुत बार ग्लोबल टेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि फॉरेन की एक्सपर्ट कंपनी जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। इसके एग्जांपल में अगर आपको दूँ, तो जैसे हमारे गवर्नमेंट को लोकोमोटिव्स की ज़रूरत थी, तब एक ग्लोबल टेंडर पेश किया गया था और एल्स्टॉम जो एक बाहर की कंपनी है, उन्होंने लोकोमोटिव्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। इसके बाद में अगर हम अपनी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी बात करें, तो ग्लोबल टेंडर में जाइका जो है, जापान की रेलवेज कंपनी, इन्हें काम सौंपा गया है हमारे बुलेट ट्रेन्स की डिज़ाइनिंग का। तो इस तरीके से दो टाइप के टेंडर्स होते हैं और ये टेंडर्स देने के भी दो तरीके होते हैं। तो पहला तरीका होता है सिंगल पैकेज में दे देना, यानी पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड एक ही कॉन्ट्रैक्टर को जो है पेश कर दिया गया। और दूसरा होता है पैकेज वाइज। जैसे कोई बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, जैसे हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो फिलहाल बन रहा है, इसको कई सारे पैकेजेस में बांटा गया है और हर पैकेज का जो है टेंडरिंग अलग अलग से होता है। इसके साथ साथ कई बार सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी होती है, जैसे हमारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स में जो है ट्रेन्स का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिलता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिलता है, स्टेशन बनाने का काम कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिलता है, और इस तरीके से सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी की जाती है। और ये जो टेंडर्स है, ये देने वाली बॉडीज भी दो तरीके की होती है, पहले जो डायरेक्टली गवर्नमेंट से आती है, या तो ये NHAI जो हमारी एक परमानेंट नेशनल हाईवेज की बॉडी है, और दूसरी हमारी रेलवेज है, उसके जरिए कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं। दूसरे टेंडर्स आने के सोर्स है, जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, जैसे मेट्रो लाइंस, एयरपोर्ट्स, इस टाइम पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाती है, जैसे हमारी DMRC है, हमारी MMRC है, यमुना अथॉरिटी है,
इसके जैसी बॉडीज़ बनाई जाती है जो इंडिपेंडेंटली काम करती है और अपने टेंडर से खुद निकाल सकती है। इसके कारण जो पीडब्ल्यूडी के बाबू अफसर होते हैं उनका बीच में से हाथ हट जाता है और ये बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने में डायरेक्टली ये अथॉरिटीज़ डिसीजन ले सकती है। ये सारा काम पूरा होने के बाद में जो भी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर जीतता है वो अपना काम शुरू कर देता है। जैसे जैसे काम पूरा होता है उसका इंस्पेक्शन होता है और काम अगर सही किया गया है तो उनका बिल पास करके उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है। और सारा काम एक बार पूरा हो जाने के बाद में एक लास्ट इंस्पेक्शन होता है, टेस्टिंग होती है और ऑब्वियसली पब्लिक के लिए जो प्रोजेक्ट है वो ओपन कर दिया जाता है। लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो एक बार जब बन जाए उसके बाद में भी इनके ऑपरेशंस जारी रहते हैं और इसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज का हाथ कंटिन्यूसली आता रहता है। जैसे हमारी मेट्रो लाइन्स एक बार खुल जाए तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें मोटरमैन चाहिए, हमें स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए स्टाफ चाहिए, हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे जो काम हैं कभी कभी ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं, कई बार ये सारे काम जो है कंस्ट्रक्शन के पहले ही किसी कंपनी को दे दिए जाते हैं और कई बार गवर्नमेंट जो पहली अथॉरिटी बनाई गई थी जैसे DMRC तो उन्हें ये काम सौंप दिया जाता है। अगर कोई रोड हो तो जो टोल्स है उसकी कलेक्शन मेंटेनेंस के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। और एंड में इसका एक मेजर एग्जांपल होगा जैसे कोई पावर प्लांट प्रोजेक्ट है तो पावर प्लांट प्रोजेक्ट बनने के बाद में इसके ऑपरेशंस में ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो ये सब जो है वो पोस्ट ऑपरेशंस में आता है। तो दोस्तों इस तरह से पेपर से लेकर अंत तक कोई मेगा प्रोजेक्ट बनाया जाता है। ये बात तो साफ है कि मैंने आपको जिस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई है ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से बताई है। इन स्टेप्स के भीतर भी कई सारे और स्टेप्स होते हैं लेकिन वो सारे एक्सप्लेन करने में शायद 2 दिन लंबी वीडियो बन जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि एक्चुअल में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, उनका आइडिया कहाँ से आता है, एक्चुअल में कैसे बनते हैं और बनने के बाद में कैसे यूज़ होते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना।